खरगोन जिले के बड़वा नगर से 3 किलोमीटर दूर सुंदर घने वन में किल किल करके बहती चोरल नदी पर बना है 600 से अधिक वर्ष प्राचीन जयंती माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 9 दिवस तक लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा बताया जाता है कि सन 1500 के लगभग तोमर वंश के राजा राणा हमीर सिंह ने विंध्याचल के वनों में जैतगढ़ किले का निर्माण करवाया था। उन्होंने ही किले के समीप पहाड़ों में गुफा के अंदर अपनी कुल देवी स्वरूप माँ जयंती माता की स्थापना की थी। तत्कालीन समय में राणा हमीर सिंह का परिवार जैतगढ़ किले में ही निवास करता था। किले का नाम जैतगढ़ होने से देवी माँ का नाम जयंती माता रखा गया। राणा राजेंद्र सिंह ने बताया कि सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी देवी माँ की मूर्ति अपने स्थान पर ही विराजित है, जबकि किला खंडर में तब्दील हो चुका है। कुछ समय बाद हमीर सिंह के वंशज राणा सूरजमल जैतगढ़ छोड़कर बबलीखेड़ा गांव आए। उन्होंने बबलीखेड़ा का नाम परिवर्तित कर उसे बड़वा के रूप में बसाया। साथ ही बड़वा में एक किले का निर्माण किया गया था जहां वर्तमान में अब तहसील कार्यालय संचालित हो रहा है। राणा राजेंद्र सिंह ने बताया कि श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए देवी के मंदिर क्षेत्र में अनेक सुविधाएं मुहैया कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को भीड़ होने के बावजूद सरलता से दर्शन हो सके। मंदिर के पुजारी पंडित रामस्वरूप शर्मा, महेंद्र शर्मा, दीपक शर्मा ने बताया कि जयंती माता प्रतिमा दिन में 3 प्रहर में 3 रूप में दर्शन देती है। नवदुर्गा के दौरान मंदिर क्षेत्र में 10 दिवस मेले का दृश्य बना रहता है। बड़ी मात्रा में नारियल, चुंदरी, श्रृंगार सामग्री एवं अन्य पूजन सामग्री की दुकानें भी बड़ी मात्रा में लगती है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। नवरात्रि के दौरान चूंकि आज अंतिम दिन है, नवमी है, चूंकि 9 दिन कंटिन्यू हर जहाँ पे गरबा हो रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, वहाँ पे सभी पंडालों में पर्याप्त बल लगाया गया था। जहाँ पे ज़्यादा अगर आम जनता आ रही है तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। जहाँ पे कम जनसंख्या रहे वहाँ पे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल रैंक के अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। जयंती माता में सर काफ़ी श्रद्धालु आते, काफ़ी भीड़ रहती है, वहाँ पे क्या व्यवस्था की है? जयंती माता पे चूँकि वहाँ पे एक महिला थानदार, 2 महिला कांस्टेबल, 1-4 का एसएफ गार्ड, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और ऐसे कुल मिलाकर करीब वहाँ 25 का बल लगा है, जो कि जयंती माता मंदिर से लेके जो अपना मेन गेट है जहाँ से टर्न लेते हैं मेन रोड तक, वहाँ तक किले बल लगाए गए। हमारे बीच उपस्थित लायंस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष छोटेलाल चौधरी जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सेवाएं होती है। हम माता जी कृपा से विगत 25-30 सालों से दिन सुबह 5 बजे से लेकर माता जी के भोग लगने के बाद में प्रसादी बांटी जाती है मेरे द्वारा, मेरे परिवार के सहयोग से, और भविष्य में मैं जब तक जिंदा रहूँ बटेगी, और करीब जितने भी पब्लिक आती है सबको प्रसादी दी जाती है, किसी को निराश नहीं की जाती है, भले वो एक बार मांगे चाहे 2 बार मांगे, कितनी बार भी उसको प्रसाद दी जाती है। सतत हम ये कार्य करते रहे। भगवान के प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? मंदिर के बारे में गुरु जी बताएंगे, मैं तो ये बहुत पुराना मंदिर, हम पैदा नहीं उसके पहले से ही मंदिर है, और मेरे ख्याल है कि 150-200 साल पुराना मंदिर है ये, और माता जी की कृपा से जो मन से मानते हैं उससे मन्नत पूरी होती है। ये खिचड़ी प्रसादी का कार्यक्रम कब से करते आए हो आप? ये विगत 30 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। क्या है? राणा राजेंद्र सिंह। अच्छा, ये जयंती माता के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जयंती माता हमारी कुलदेवी है और हम इसे आप समझ लीजिए करीब 700 वर्ष पहले से यहाँ स्थापित है आज वर्तमान जहाँ पर, और हम लोग पूरी सेवा करते हैं, सारा संचालन हमारे पास पहले भी था, आज भी है, पुजारी को नियुक्त किया गया है और कुलदेवी होने के नाते पूरा परिवार सेवा में जाता है। ये एक ऐसी देवी का स्थान है जो दिन में 3 वक्त रूप बदलती हैं। इनका रूप सुबह बाल अवस्था का रहता है, दोपहर को युवा और रात्रि को वृद्धावस्था का रूप। ये मान्यता है कि यदि किसी के दिल में ऐसी कोई इच्छा है और वो पुत्र की मनोकामना रखती हैं तो माताएं ये वह मन्नत मानती हैं और 101% उन्हें सफलता मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा जहाँ तक हमारे यहाँ महिलाओं का सवाल है तो मेरी जो श्रीमती हैं उनका नाम रानी महेश्वरी कुमारी है, वो उन्होंने भी इस सिलसिले में ये सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि बराबर
किसी हालत में बिना नाका करते हैं पूजन। और हमारे ही पूर्वजों ने जो यहाँ की रानी हुआ करती थी वो उनका नियम था माता जी जाने का, तो गर्भवती थी और जब ऐसा कुछ मौका आया कि उन्हें बहुत दर्द हुआ पहाड़ों में जाने में, तो उन्होंने माता से ये प्रार्थना की कि मेरा ये संयम नियम नहीं टूटे, अगर तू दर्शन दे सके तो यहाँ दे, मैं बहुत प्रसव दर्द हो रहा है मैं नहीं जा सकता। सब स्खलन हुआ, अच्छा पहाड़ टूटा और आज जहाँ माता जी स्थित हैं वहाँ विराजमान हुआ दर्शन, ये चमत्कार है। अच्छा ये जैतगढ़ के किले के बारे में कुछ बताएंगे? जैतगढ़ किले के बारे में ये है कि सब हम लोगों के पास में से नौ किले हैं। अच्छा जैतगढ़ का हमारा कमलगढ़ है, नीलगढ़ है, ये किले हमारे यहीं जंगलों में, पर मुख्य तौर से जैतगढ़ वो हमारा वो है राजधानी कही उस टाइम पर, और इसमें हमारा पूरा परिवार रहता था, यहाँ पर पूरा गाँव बसा हुआ था। और उसी तरह से जब वो पूरी तरह से वहाँ सेट हो गए हम, तो हमने जयंती माता जो हमारी इष्ट देवी थी उसकी स्थापना मान ली। पांडव वंश से हैं, दिल्ली से हम लोग यहाँ आए हैं और हमारी कुलदेवी जयंती है, परिवार पूरा आज भी सेवा कर रहा है। और चूँकि वर्तमान में गादी पे मैं हूँ इस वंश में, तो प्रमुख होने के नाते मुझे सारी सेवाएँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।